नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवान करंट अफेयर्स में। आज है 18 अप्रैल 2020। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर कोविड-19 के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी गोवा, सी सिक्किम या डी मणिपुर। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। सिक्किम जो है उसमें अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है कोविड-19 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सालाना दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है। ऐसा कौन सा देश है जिसने WHO को जो सालाना राशि देते थे उस पर रोक लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी जर्मनी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने क्या किया है कि जो WHO को जो भी सालाना राशि देते थे उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। और साथ ही साथ अमेरिका ने आरोप ये लगाया है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उन्होंने कोविड-19 से संबंधित जानकारी तथा प्रबंधन को समय रहते हुए इनको बताया नहीं था, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस महामारी ने एक तरह से भयानक रूप ले लिया था। और अमेरिका जो है वो प्रतिवर्ष 50 करोड़ डॉलर का भुगतान करता था WHO को। कितना? 50 करोड़ डॉलर का। और WHO को जो कुल राशि मिलती थी वो है 2.47 अरब डॉलर, और जो अमेरिका इसको भुगतान करता था वो है कुल 22% होता था। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेसस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में चर्चा में रही क्या रहा पीपीई किट का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर सी प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर डी प्रिकॉशन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए, कोविड-19 से बचाव करने वाले मेडिकल स्टाफ, पुलिस बल तथा निगम कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराई जा रही है, और पीपीई किट का पूर्ण रूप जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में भारत में कौन से राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए हर घर की स्कैनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, कार्यक्रम का नाम है हर घर की स्कैनिंग। ऑप्शन देख लेते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या डी गुजरात। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है बी बिहार। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में हर एक घर में जांच का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हो गया है, और इसमें पहले चरण में कहाँ कहाँ होनी है, सीवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में इसकी शुरुआत हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा किए गए शोध में भारतीय चमगादड़ों में किस प्रकार का कोरोना वायरस पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए कोविड-19, बी सार्स या सी बैट कोरोना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर है सी बैट कोरोना। एक अभी रिसर्च हुई है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय चमगादड़ों में कोरोना वायरस कोविड-19 फैलाने की क्षमता नहीं है। और एक शोध के द्वारा यह भी बताया गया है कि दो प्रजातियों के चमगादड़ में बैट कोरोना नामक वायरस पाया जाता है, और जो बैट कोरोना है इसका कोविड-19 महामारी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में फ्रांस में आयोजित होने वाली टूर डी फ्रांस कौन सी प्रतियोगिता है। टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है, और टूर डी फ्रांस का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए तैराकी प्रतियोगिता, बी टेनिस प्रतियोगिता, सी साइकिलिंग प्रतियोगिता या डी शतरंज प्रतियोगिता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी साइकिलिंग प्रतियोगिता। देखिए, दुनिया की सबसे लोकप्रिय जो है साइकिलिंग प्रतियोगिता थी टूर डी फ्रांस, और इस प्रतियोगिता को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। वर्ष 2021 में ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी भारत या फिर डी पाकिस्तान। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 13 अप्रैल या डी 14 अप्रैल। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है ए 15 अप्रैल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
जो है अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोरोना वायरस के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या डी राजस्थान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो पहला पूल परीक्षण करने वाला राज्य बना है। और पूल परीक्षण में होता क्या है कि नमूनों का जो संग्रह होता है उसको परीक्षण के लिए भेजा जाता है, और अगर परीक्षण में परिणाम जो है नकारात्मक आता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष पद से तमस अजान ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ, बी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ, सी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ या डी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2020-21 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए 29.83 करोड़ टन, या फिर बी 15 करोड़ टन, सी 10.20 करोड़ टन या डी 2.02 करोड़ टन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए 29.83 करोड़ टन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण विश्व का कौन सा ऐसा प्रथम देश है जिसमें पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ए चीन, बी USA, सी इटली या डी जापान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डी जापान। देखिए जापान ने क्या किया है कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे ने संपूर्ण देश में आपातकाल लागू कर दिया है, और साथ ही साथ जापान की जो 12 करोड़ आबादी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख येन, जो आज के हिसाब से 71,300 रुपये बनता है, उसको देने का वादा भी किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए 15 अप्रैल, बी 23 दिसंबर, सी 17 अप्रैल या डी 18 अप्रैल। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 23 दिसंबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने यह अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2020 में शून्य हो सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए मूडीज, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर डी विश्व बैंक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यह आशंका व्यक्त की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 रिस्पॉन्स पैकेज को 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए 20 बिलियन, बी 10 बिलियन डॉलर या फिर 14 बिलियन डॉलर, डी 15 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए 20 बिलियन डॉलर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। देखिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ए है 180, बी 193, सी 189 या डी 190। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज यही समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स क्विज। कल मैं आपके लिए फिर से एक नया करंट अफेयर्स क्विज लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमें अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।